शनिवार को अजमेर में लगी लोक अदालत में जहां आपसी सहमति से सैकड़ों फैसलों का निस्तारण हुआ, वहीं अजमेर की फैमिली कोर्ट 2 में भी पति पत्नी के जोड़ों को दोनों पक्षों के एडवोकेट और न्यायाधीश के समझाइश से एक कर दिया है। पहला मामला अजमेर के रहने वाले शिव व लक्ष्मी का था, जो पिछले 6 सालों से घरेलू झगड़ों के चलते अलग रह रहे थे। उनको एडवोकेट व न्यायाधीश के द्वारा लोक अदालत में समझाइश की गई, जिसके बाद आज दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाकर एक साथ रहने का फैसला कर लिया है। वहीं दूसरे मामले में अजमेर के ही रहने वाले नीरज और पूजा ने भी आपसी सहमति व दोनों पक्षों की समझाइश के बाद न्यायाधीश के समक्ष एक दूसरे को माला पहनाकर मुंह मिटा कराया और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की बात की। नीरज के एडवोकेट शिव प्रसाद कुलदीप ने बताया कि नीरज और पूजा दोनों पति पत्नी साल 2022 में हुए छोटे से घरेलू झगड़े के कारण दोनों ने एक दूसरे से अलग रहने का फैसला कर लिया। उन्होंने न्यायालय में केस भी दर्ज किया, जिसके बाद आज उन्होंने फैमिली कोर्ट संख्या 2 में लगी लोक अदालत में न्यायाधीश सीमा जुनेजा के सामने एक दूसरे को माला पहनाकर मिठाई खिलाई और दोनों ने हमेशा एक साथ रहने का वादा किया। दोनों के राजी होने के बाद उनके चेहरों पर खुशी देखी गई। एडवोकेट शिव प्रसाद ने बताया कि परिवार में होने वाले छोटे छोटे झगड़ों के कारण पति पत्नियों में आपसी मनमुटाव हो जाता है, जिसे समझाई से दूर किया जा सकता है। इसी का परिणाम है कि आज उन्होंने 2 साल बाद दोनों पति पत्नियों को फिर से एक कर दिया और समझाइश की कि भविष्य में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा न करें। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर उदयपुर के विभिन्न न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का निस्तारण हुआ, जिसमें कई मामले राजीनामे से निस्तारण किए गए। लोक अदालत के लिए बेंचों का गठन भी किया गया। इस लोक अदालत में सैकड़ों प्रकरण रखे गए, जिसके निस्तारण के लिए बैंकों और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। लोक अदालत के माध्यम से मोटर एक्सीडेंट, चेक अनादरण, फौजदारी मामले सहित पारिवारिक मामलों से संबंधित विभिन्न प्रकरणों का आपसी राजीनामे के माध्यम से निपटारा किया गया। न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के अलावा प्री लिटिगेशन स्टेज पर लोन मामले और अन्य प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों के बीच आपस में भाईचारा बनाए रखना और परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने के साथ ही राष्ट्र का विकास करना है। पिछले कुछ समय से लगातार लोक अदालतों के आयोजनों से न्यायालय में लंबित मामलों की संख्याओं में कमी आई है। भैया, कौन सी बात को लेकर आप दोनों के बीच में आता हो, आज क्या हुआ है? घर के मामले से चक्कर में कोई लड़ाई होता है, आपस में एक दूसरा के चल रहे थे और चक्कर में उसके साथ मैंने पत्नी का रहा था और लेकिन मैं कह बहुत अच्छा बन गया बात लेकर साथ। नाम क्या है आपके और रहने वाले कहाँ के हो? हम चक्कर लेके रहने वाले, नाम ये थे, पापा का नाम सोम नाथ है। उनके पत्नी का नाम क्या आपकी है? आपकी पत्नी का नाम क्या है? पूजा, पूजा का है। कौन सी बात को लेके लड़ाई वगैरह हुई थी जो आप लोग अलग थे? और आज जब आप लोगों के बीच में राजीनामा हो गया तो किस तरह की खुशी है आपको? हाँ सर जी, सर ये जो आज लोक अदालत है, राष्ट्रीय लोक अदालत, और नीरज जो कि नीरज और पूजा जो कि पति पत्नी हैं और उनका जो है कि 2022 से ही पारिवारिक विवाद बढ़ने के कारण अलग रह रहे हैं, और जो है कि पति नीरज की ओर से विवाह विच्छेद का जो पेश किया गया था, और हमारे लगातार इनकी जो एफर्ट्स रहे कि साथ में रहे, घर बसाए, क्योंकि 2 बच्चे भी हैं, और जो है लोक अदालत में जो न्यायाधीश महोदय ने भी समझाया करा, उससे ये रहा कि आज दोनों वापस से साथ में रह रहे हैं, बच्चों के साथ में रह रहे हैं, 2 महीने से साथ ही रह रहे हैं ये, और इससे एक बहुत अच्छा मैसेज दूसरों को भी सीखना चाहिए कि घर घर छोटी छोटी बातों में घर घर से खराब न करें और साथ में जीवन व्यतीत करें। आपका नाम? मेरा नाम शिव प्रसाद कुलदीप, एडवोकेट।